नीचे क्यों पड़ गया है? हाय गाइस, वेलकम बैक, दिस इज पद्मिनी। डर तो नहीं गई थी? नहीं, वेरी गुड। आदत हाय गाइस, वेलकम बैक। आदत हो गई है इसको मेरे चिल्लाने की आवाज़ से। सो हाय गाइस, वेलकम बैक, दिस इज पद्मिनी एंड यू आर वॉचिंग आवर चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली टनाटन। बहुत एनर्जी लगती है ऐसे चिल्ला चिल्ला के बात करने में रास्ते पे। हाँ, वो भी रास्ते पे मास्क पहन के ताकि आप लोगों को अच्छे से आवाज़ आए। तो वैसे आज हम लोग भाई निकले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए, और ये इम्पोर्टेंट काम ना बहुत खुशकिस्मत लोगों को ये मौका मिलता है करने का, और हम भी उनमें से एक है। हाँ, हम एक नहीं है, चार है। हाँ, वैसे हम लोग ये चार है, जस्ट निकले हैं अभी, और हम जा रहे हैं, बता दूँ सस्पेंस, ठीक है नहीं बताते हैं, जस्ट निकले हैं अभी। अब भाई मुझसे रहा नहीं जा रहा है तो मैं बता ही देती हूँ कि मैं बाहर क्यों निकली हूँ और क्या करने जा रही हूँ। तो उसके पहले ना मैं एक बहुत ही आपको क्यूट और सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड बताती हूँ जो आरती ने बनाया है। बाय, खुल, बाप रे, दिखाना दिखाना तेरा राइटिंग, दिखा दूर से देख, देखो इसकी राइटिंग देखो, टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग है इसका, तो क्रिएटिव है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी थर्ड को है ना, अरे थर्ड नहीं सेकेंड है, सेकेंड है, थर्ड है, सेकेंड है, कन्फ्यूजन है इसमें, सेकेंड को है या थर्ड को है पता नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन है सेकेंड या थर्ड को। और मैं सोच रही हूँ कि अगर लेट कर दूँगी, जैसे आप लोग अगर मुझे हमेशा फॉलो करते होगे, एज यूजल मैं वही चीज़ बोलूँगी कि मैं अपने पेरेंट्स से अलग रहती हूँ, तो मेरा भाई भी जो है मेरे मॉम डैड के साथ रहता है, तो अभी उसकी कॉलेज यानी कि हॉस्टल बंद है, तो वो भी मॉम डैड के पास ही रह रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना राखी जो है वो ली जाए और कुरियर की जाए, और कुरियर के लिए आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए हम जा रहे हैं राखी ख़रीदने के लिए, और हम आज ही कुरियर करेंगे ताकि होपफुली सेकेंड या थर्ड जब भी है राखी उसके पहले जो है पहुँच जाए। सो लेट्स सी, पहला टास्क तो ये रहेगा कि राखी मार्केट में है या नहीं, मतलब आई है या नहीं। आशु मुझे बोल रही थी कि आ गई है, बट स्टिल आई डोंट नो। कर रहे हैं तो एड्रेस लिख दूं, तो ये हमारे गोकुल धाम में ही, मेरे वो पर्स में बुलवा रहे हैं, तो हमारे गोकुल धाम में ये कृष्णा कलेक्शन करके शॉप है, तो हमने वहीं से जो है राखी ले ली है। अब हम हमारे इलाके में जाके इसको कुरियर करेंगे। कुरियर का क्या बोल रही थी, बड़ा ज्ञान दे रही थी तू, ज़रा बता तो। अरे 1 kg में डाल के भेजते हैं उन लोग, 300-350 लेते हैं। हाँ, तो मतलब दुकान में पूरा खा खुद। हाँ, पूरा सोना खा लिया, सब तूने ही खा गई ना, इसलिए सोना खाना नहीं, सोना सोना अभी कौन खरीदेगा ऐसे सिचुएशन में बाबा। तो यहाँ पे DTDC में अपना कुरियर हो रहा है, देखते हैं कितना पैसा लेते हैं DTDC वाले। हमने कर दिया भाई कुरियर, और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, और देखो थोड़ी सी रिमझिम सी बारिश होना भी स्टार्ट हो गई। अच्छा है अपना काम हो गया और उसके बाद में बारिश हो रही है, दैट इज़ वेरी नाइस। आई एम हैप्पी कि हमने एट लास्ट कुरियर जो है वो कर दिया। अब बोला तो है कि 4-5 days में पहुँचेगा, आई जस्ट होप, आई जस्ट प्रे कि जल्दी पहुँच जाए, है ना। आशु का ग्रीटिंग जल्दी पहुँच जाए भाई। वैसे कितना लिया, 150 ना, तो 150 लिया है कुरियर का, वैसे भी लाइट वेट था। व्हेन यू गो टू कुरियर, वो पहले चेक कर लेते हैं विथ योर पिन कोड कि आपका कुरियर जाएगा या नहीं जाएगा, वेदर द जोन जहाँ पे वो आपका कुरियर जा रहा है कहीं वो कंटेनमेंट जोन तो नहीं है, वो पहले वो लोग चेक कर लेते हैं, अगर नहीं है, क्लियर आउट है चीज़ें, देन ऑब्वियसली आपका कुरियर जा सकता है। खाने के लिए ले, अभी शाम को थोड़ी सी हमारी मंचिंग हो जाएगी, तो हम लोग यहीं पे पास में जो स्टोर है वहीं पे आए हैं, देखते कुछ मिल जाए खाने के लिए अपने को, तो अपनी शाम बन जाए।
क्या बनाना है तेरे को? मिसल पाव। बट पाव नहीं रहेगा अपने पास। क्या मिसल खाएगी? खाएगी पागल लड़की। मैडम को गुलाब जामुन खाने का मन है। मुंबई की बारिश का क्या कहना, तक ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी और सीधा घर पे जाना पड़ेगा, लेकिन वही कुछ सेकंड्स के बाद में बारिश हो गई बंद। वैसे हमारे भी बिल्डिंग में लग गया है सैनिटाइज, दे रहा है दुरुस्त है, खाली भी हो गया। अंधेरी रातों में ये हमारे फैमिली का नया सदस्य है, हम मुंह देखना चाहोगे? अबे पीछे क्यों पड़ गया ये? अब हम आपको दिखाएंगे, पहले जन्म में मेरा म्याऊ एक जरूर प्लेयर होगा। अब इस छोटे से पेपर बॉल के साथ में म्याऊ को देखना क्या करेगा। म्याऊ 1 2 3 गो। आ गए हम घर पे। आंसू बना रही है खट्टा मिठा तिक्का पिक्का पता नहीं कैसा वाला भेल 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 भेल। तो ये रहा अपना लजीज भेल एक छोटे से नन्हे मुन्ने प्लेट में, और आपको बताते हैं आशू का प्लेट। प्लेट नॉट रियली प्लेट, ये है आशू का बहुत ही छोटा सा प्लेट। आज तक रक्षाबंधन सेलिब्रेट तो जरूर किया, लेकिन कभी उसके पीछे का रीजन नहीं जाना कि वो होता क्यों है और उसे मनाया क्यों जाता है। फाइनली मैंने इस बार सोचा कि बीइंग अ यूट्यूबर और बीइंग अ इन्फ्लुएंसर क्यों ना इस चीज के बारे में फाइंड आउट करूं, और शायद से आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए या थोड़ा सा आपको भी रीजन पता चली जाए कि इसे सेलिब्रेट क्यों करते हैं। हमें जितना मतलब नॉर्मली पता है कि ये चीज क्यों सेलिब्रेट की जाती है, बस अपने भाई के कलाई पे जो है राखी बांधते हैं, हमारी राखी जो है उनको प्रोटेक्ट करेगी किसी भी बुरी चीज, और इन रिटर्न वो अपना प्यार दिखाने के लिए हमें गिफ्ट्स या कुछ ना कुछ चीजें देते हैं। बट एक्चुअल में इसका रीजन यानी कि ये रक्षाबंधन जो स्टार्ट हुआ था, मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने मतलब पढ़ा है, अब कुछ और स्टोरी भी हो सकती है, अगर किसी को पता है तो प्लीज मुझे जरूर बताना, मैं जानना चाहूंगी। तो एज पर हिंदू माइथोलॉजी महाभारत के हिसाब से द्रौपदी जो पांडवास की वाइफ थी, उन्होंने जो है एक बार कृष्णा जी जो है बिकॉज ऑफ वॉर और व्हाटएवर द रीजन वो ब्लीड कर रहे थे, उनका खून ना बहे इसलिए उन्होंने अपने साड़ी का पल्लू जो है वो थोड़ा सा फाड़ के जो है रिस्ट पे बांध दिया था। तो बेसिकली द्रौपदी हेल्प्ड लॉर्ड कृष्णा फ्रॉम नॉट ब्लीडिंग, एंड सो एट दैट टाइम दे आल्सो डेवलप्ड अ बॉन्ड ऑफ ब्रदर सिस्टर, और उसी वक्त से लॉर्ड कृष्णा ने जो है प्रॉमिस किया कि वो द्रौपदी को हमेशा हर एक बुरी चीज से जो है प्रोटेक्ट करेंगे। और आपने ये थोड़ी सी सिमिलैरिटी भी देखी होगी कि रक्षा ऑब्वियसली मींस प्रोटेक्शन, और इसलिए इस फेस्टिवल और इस दिन को रक्षाबंधन कहा जाता है। तो मे बी ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टोरीज होंगे रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के पीछे, तो दिस इज व्हाट आई गॉट टू नो। भाई आशू का तो भेल खा खा के खत्म हो गया, तो अब अपनी राखी तो कुरियर हो चुकी है, अब देखते हैं कब पहुंचेगी। सारी बहनें बहुत ज्यादा लकी है, हमारा भाई यानी कि हमें हमारा गोलू मिला। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी, पता नहीं कितने लोग इस चीज से गुजरे हैं, और जैसे आप लोग मुझे फॉलो करते हो तो आपको सारी चीजें मेरे बारे में पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये थोड़ी सी पुराने ख्यालात वाली चीज है, मेरी दादी से रिलेटेड है। मेरी दादी बहुत अच्छी थी एंड आई लव हर सो मच, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो मेरी दादी के ख्यालात थे कि उनको एक जो है लड़का यानी कि एक लड़का जरूर होना चाहिए, ये काफी लोगों की घर की स्टोरी होगी आई एम श्योर ऑन इट। तो ऑब्वियसली अब वो पेरेंट्स के हाथ में होता नहीं है, आई डोंट नो होता भी है या नहीं है, आई एम नॉट मैरिड तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, आई डोंट हैव एनी नॉलेज ऑन इट कि लड़का पैदा हो सकता है नहीं हो सकता है, वो सब नसीब का खेल होता है। तो मेरे मॉम को जो है सारी लड़कियां ही पैदा हुई, लड़के हुए नहीं, तो मेरी मॉम ने उस कोशिश में चार सो उस चक्कर में और उस चक्कर में मेरे मॉम ने जो है चार बेटियां पैदा की, और एट द एंड उनको एक लड़का हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी दादी उस वक्त तक जी नहीं पाई और वो मेरे भाई को देख नहीं पाई, बट स्टिल वी आर सो लकी टू हैव हिम, गॉड ब्लेस हिम, जितनी भी ब्लेसिंग हम सारी बहनों की है वो सारी ब्लेसिंग्स उसको मिले, वी जस्ट होप कि ही मेक्स अस प्राउड इन फ्यूचर। ऐसी अपनी बहनों की रक्षा करते रहिए, ये धीरे धीरे मेरा भेल खा रही है तो ऐसे ही अपने बहनों की रक्षा करते रहिए, भले ही वो आपकी बहन हो नहीं हो, स्टिल आपका फर्ज बनता है कि आप जो है सबकी हेल्प करो, बॉयज भी हेल्प करें गर्ल्स भी हेल्प करें, सब एक दूसरे की हेल्प करो और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। सो गाइस अगर किसी भी वजह से ना ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और बहुत सारा सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बोल बोल के थक चुकी हूँ मैं, हम जल्द ही
3 के पहुंचने वाले हैं, तो कोशिश करो सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार देख रहे हो तो, और जितना हो सकेगा शेयर करना। अगर आपको मेरी बकबक अच्छी लगती है तो प्लीज जरूर डू लाइक शेयर कॉमेंट। घर में रहिए और अपना ध्यान रखिए, बाहर जाते हो तो प्लीज प्रिकॉशन लेके जाइए।